अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। पेट्रोल डीजल चोरी व मिलावट के पुराने मामलों में राजनीतिक व पैसे का रसूख का असर यह हुआ कि किसी भी मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। नतीजा सामने है। आज यूपी के मेरठ जिले में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। इस छापेमारी में भारी गड़बड़ियां पाई गई हैं। दिल्ली रोड स्थित रमन पेट्रोल पंप, कार केयर सेंटर व रिठानी के एसआर पेट्रोल पंप पर घटतौली पाई गई। पेट्रोल डीजल की मात्रा में यहां काफी अंतर पाया गया है। इस पर 3 मशीनों को सील कर दिया गया है। कुछ समय पूर्व मेरठ में पेट्रोल और डीजल की भारी कालाबाजारी मात्रा में अंतर पाया गया था। भारी मात्रा में मिलावट के लिए केरोसिन ऑयल भी बरामद हुआ था। यह कार्रवाई पुलिस व प्रशासन की संयुक्त टीम ने भारी शिकायतों के बाद की थी, लेकिन नतीजा वही डाक के 3 पात रहा। काले धंधे में लिप्त सभी सफेदपोश मौजूदा व्यवस्था पर लगातार तमाचे जड़ रहे हैं। आज सोमवार को की गई छापेमारी की जानकारी जिला आपूर्ति अधिकारी नीरज सिंह ने यह दी। कल जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो निर्देश दिए गए थे कि औचक छापेमारी की जाए शहर के जो पंप हैं, तो उसमें चारों एसीएम की अध्यक्षता में 4 टीमें गठित की गई। बाँट माप के अधिकारी थे, उसमें हमारी टीम भी थी और जो ऑयल कंपनी के अधिकारी थे उन्हें रखा गया था। इस पूरी छापेमारी में हम लोगों ने 18 पेट्रोल पंपों में जाँच की और इसमें कुल 3 पंप थे जहाँ पर नापतोल में गड़बड़ी पाई गई। इन 3 पंपों के जो नाम क्या गड़बड़ियाँ थी और क्या कार्रवाई इसमें सुनिश्चित की जा रही है? जी, ये गड़बड़ी ये थी कि जो अनुमन सीमा है बांट माप के जो मेट्रियोलॉजी एक्ट है उसके तहत उससे अधिक घटतौली पाई गई थी, इसलिए वो मशीनें जो थी उन्हें सील किया गया और उनके ऊपर जो भी वैधानिक कार्रवाई है दंडात्मक वो बांट माप विभाग अपना मेट्रियोलॉजी एक्ट के तहत कर रहा है। क्या मशीन में गड़बड़ियाँ थी या जो उनका उसमें जो मशीन थी उसमें डिलीवरी पॉइंट जो होता है उससे 5 लीटर का एक मानक मपना होता है उसमें नापा गया, तो उसमें 40 ml के आसपास कटौती थी। चिप वगैरह की भी संभावना है जो लगा रखी उन्होंने? इस जांच में चिप जैसा कुछ नहीं पाया गया। वहाँ पर जो टीम थी उसने पूरा देखा। चिप जैसी स्थिति आज के टाइम पर वैसा संभव नहीं है क्योंकि ज़्यादातर पंपों का ऑटोमेशन हो गया है और जो मोल्डेड पल्सर हैं उन्हें इंस्टॉल किया जा चुका है पूरे जनपद में, तो ऐसी स्थिति तो नहीं आनी चाहिए। अच्छा, क्या जुर्माना होगा इन पर? जी, अभी इनको कारण बताओ नोटिस जारी किया है बांट माप ने, उसके बाद जो भी इनका मानक के अनुसार जुर्माना होगा वो किया जाएगा। पंपों की जो डिटेल है वो आपसे शेयर कर दे रहा हूँ। केयर फ्यूल पॉइंट्स है गढ़ रोड का, रमन एंड BPCL कंपनी का दिल्ली रोड का है और रिठानी फिलिंग पॉइंट है SR कंपनी का दिल्ली रोड का। ये 3 पॉइंट। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।